नमस्कार, आप जो राजो मिडडे न्यूज आपनी साथे हूँ छु विधि। बात करवी छे सौथी पहला संसदना विशेष सत्रना। आज त्रीजा दिवसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम एटले के महिला अनामत बिल पर चर्चा थई रही छे, जेमां सोनिया गांधीए कांग्रेस तरफथी लोकसभामां बिलने समर्थन आप्युं। तेमणे कह्युं के सौथी पहला आ बिल तेमना पति राजीव गांधी लाव्या, तेमनुं सपनुं हजु अर्धुं ज पूरुं थयुं छे। आ बिल पसार थतानी साथे तेमनुं स्वप्न पूरुं थशे। 13 वर्षथी भारतीय स्त्रीओ पोतानी राजनीतिक जवाबदारीनी राह जोई रही छे, हजु तेमने केटली राह जोवडावामां आवशे। आ सवाल साथे तेमणे तात्कालिक बिल लागू करावानी अने जाति वस्ती गणतरी करीने एससी एसटी ओबीसी अनામત આપવાની માંગણી કરી। तो कांग्रेसे तात्कालिक आ बिल अमल में आवे तेवी स्पष्ट मांगणी करी छे अने तेमणे कह्युं छे के सौथी पहला 1989 में राजीव गांधी आ बिल ने लाव्या हता अने त्यार बाद लोकसभा विधानसभा में आज अनामत छे तेने लागू करवानुं छेल्ला घणा वर्षोथी शक्य नहोतुं बनतुं, जेने हवे तात्कालिक शक्य बनावाय। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष? 4 वर्ष? 6 वर्ष? 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए। खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही